पास जो लहंगा है उसका गिव अवे करने वाली हूँ, तो वो लहंगा मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो लहंगा किस टाइप का है। तो आज चल रात इतनी जल्दी पड़ जा रही ना, पता ही नहीं चल रहा भाई। तो जाते टाइम इस रास्ते जाएंगे शॉर्टकट। और मम्मी इस कालू ने मेरे को ऐसे डराया ना, इतना गंदा है ना ये कालू, इसने मेरे को ऐसे डराया है। हाय कर दे, हाय बोल दे, याद है याद है, या हाय बोल, तो हाय बोल, हाय बोल। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिंगवाड़ ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग हो गई है देवभूमि उत्तराखंड के ब्यूटीफुल से शहर गोपेश्वर से। तो बस अभी लगभग सुबह का 11:30 हो रहा है और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। और आज मैंने ना थोड़ा, मेरे पास काम है आज, मतलब थोड़ा बहुत काम है आज। मैंने पहले अनन्य की फ़ीस जमा करने जानी है, मार्केट जाना है। और अनन्य की फ़ीस वगैरह कब से बीच में ऐसे पेपर हो रहे थे इनके, और छुट्टी भी पड़ी थी, तो उसके बाद सारी चीज़ें ऐसी ना पेंडिंग पड़ी हुई है। तो सारा काम आज कम्प्लीट करके आऊँगी। और मुझे उधर भी जाना था, मतलब जो साड़ी वगैरह दे रखी थी ना वो भी लेके आऊँगी, पर स्कूटी झिंकवाण जी ने ले जा रखी और बाइक ले जाने का मेरा मन नहीं कर रहा मार्केट में ना, तब देखती हूँ ऐसे पैदल पैदल ही चली जाऊँगी। वो तो आगे दे रखी है मैंने टेलर के पास ना, तो आज के लिए बोल रखा था उन्होंने, क्या पता सिल दिया होगा शायद। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, बनाया कि नहीं बनाया। अभी तो आज पानी नहीं आ रहा यार, बिना पानी का ना ऐसा लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा कम्प्लीट, अजीब सा लग रहा। बिना पानी का कपड़े धोने थे, नहाना था मुझे, हर दिन नहाना होता ना नहीं तो मेरे को अजीब सी उचमुची टाइप की लगती है। जिस दिन मैं सुबह नहाती नहीं हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार कुछ मिसिंग हो रहा, कुछ मिसिंग हो रहा। तो थोड़ा नहा के ना रिलैक्सिंग लगता है। तो आज पानी नहीं आ रहा, कल से पानी नहीं आ रहा। कल हमने वैसे करके खाना बनाया, मार्केट से 3-4 बॉटल, बड़ी वाली बॉटल रहती है ना पानी की, वो लेके आए, फिर जाके हमने खाना बनाया भाई। तो वैसे करके ही काम चलाया कल, और आज सुबह भी नहीं हो रहा। एक बाल्टी में बगल से लाई थी पानी, मतलब वहाँ गल पे था ना टैंक में थोड़ा सा रह रखा, तो उस वाले टैंक से वो भी सब टैंक खाली हो रखी है भाई, कोई किसी में भी पानी नहीं है। मेरे को लग रहा है पता नहीं कब से पानी नहीं आ रहा हम, क्योंकि टैंक का यूज़ करते, टैंक में देखते ही नहीं कि पानी है भी कि नहीं भी। तो बस आज यही है। और अभी थोड़ा तो यहाँ पर मैंने ना एक जोड़ी शूज मंगा रखे थे अपने लिए, पर ये ना बहुत बड़ा साइज आ गया यार, अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे जब 5 नंबर आता मैंने वहाँ 7 नंबर मंगा दिया। अब मुझे पता था, अब पता नहीं क्यों दिमाग कहाँ सुन हो रखा मेरा, और मुझे पता था कि मेरे को 5 नंबर आता, पर मैंने वहाँ 6 नंबर मंगा, 7 नंबर मंगा दिया। जैसे सूज डाले इतने बड़े हो गए, अब रिटर्न करना पड़ेगा। और पहले ये पता, आजकल ये 20 में 2000 के थे ये वाले सूज जो मैंने अभी मंगा रखे, और अभी सेल में पता नहीं 1000 के हो रखे के आसपास हो रखे। तो बस अभी इनको रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो क्या ही करूँगी इतने बड़े सूज का ना, तो इनको रिटर्न करना पड़ेगा। ये देखो भाई, मिंत्रा से मंगाया था मैंने, अभी पैकेज अभी खोला मैंने ये पूरा पैकेज, अब इसको पैक करके, अभी इसकी वो भी नहीं तोड़ी मैंने, सेल भी वो कुछ भी नहीं तोड़ा, ये पूरा इस टाइप के थे, रिटर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक दिन मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं ना गिव अवे करने वाली हूँ, अपने पास जो लहंगा है उसका गिव अवे करने वाली हूँ। तो वो लहंगा मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो लहंगा किस टाइप का है। तो वो लहंगा इस टाइप का है, ये पूरा गोल्डन कलर का है। तो ये मैं पता जब से लाई हूँ ना, तब से ऐसे बेड में पड़ा पड़ा है, तो मैंने कहा यार किसी के यूज आ जाएगा, किसी को मतलब किसी ज़रूरतमंद को किसी की हेल्प हो जाएगी तो सही है, अगर किसी को चाहिए होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ले के फिर रख दिया, वैसे वाला नहीं, पहनना है और इसका यूज करना है तभी मांगना, नहीं तो फिर मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों। अगर यही है, और ये लहंगा कुछ इस टाइप से है, थोड़ा हैवी सा है, मैंने अपने जेठ जी की शादी में एक दिन पहन रखा, उसके बाद कभी नहीं पहना, और वैसे बेड पे पड़ा हुआ है, तो क्या करना यार कपड़े ख़राब हो जाते हैं वैसे ना, तो किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। तो इस टाइप का लहंगा है ये पूरा, एक मिनट हाँ ऐसे करके भी दिखा देती हूँ मैं, ये पूरा ऐसे पूरा वर्क वाला है ये देखो भाई, पूरा गोल्डन कलर का हैवी सा है। इसके साथ ब्लाउज भी है, ब्लाउज भी ऐसे गोल्डन कलर का है, और चुन्नी भी थी इसकी रेड कलर की चुन्नी ना, मेरी नाना की शादी हुई थी वो ले गई थी, वो चुन्नी घर ले गई, तो चुन्नी तो नहीं है इसके साथ, ब्लाउज और लहंगा है। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता सकता है, कमेंट्स में बता देना कि दीदी मुझे ज़रूरत है, तो फिर मैं उसको दे दूँगी। तो ये है, तो भाई लहंगा ये है इस टाइप का, अब देख लेना पूरा ये इस टाइप का वर्क है। अभी तो मैंने ऐसे पहना है, इसके साथ का ब्लाउज भी नहीं है, ये दूसरी साड़ी के साथ का ब्लाउज है, पर मैंने इसे दिखाने के लिए पहना है। तो इस टाइप का लहंगा है ये,
मैं रेडी हो गई हूँ और टाइम भी हो ही गया पहले फीस जमा करने जाना, क्योंकि 2 बजे तक बैंक लंच टाइम हो जाता है ना। चीज वगैरह सब भर दिया है, इसकी 3000 रुपये है ये, तो अब जल्दी से जाती हूँ। लेट भी हो गया क्योंकि 2 बजे क्या होता है कि लंच टाइम होता है ना, तो फिर मुझे जल्द उससे पहले ही जाना पड़ेगा। अनन्या की छुट्टी तो 2:15 पे होती है, तो मुझे पहले बैंक जाना है, फिर वहाँ से जमा करके फिर आऊँगी मैं, क्योंकि अगर 2 बजे जाऊँगी तो फिर तब तक लंच टाइम हो जाएगा, फिर काम हो नहीं पाएगा ना। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन के वहाँ पर, और यहीं पर है ना वो बैंक, वहीं पर मुझे जमा करना है। तो भाई मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ यहाँ पर, अभी अनन्या की छुट्टी होने में ना 15 मिनट बाकी है, तब तो मैं आपको गोपेश्वर के नज़ारे दिखाती हूँ। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, वाह ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सा शहर होगा, अच्छा सा लग रहा है ना गोपेश्वर यहाँ से। ये देखो यार, ये अन्नू लोगों की स्कूल है, ये देखो। तो अभी आ गई घर पे, अभी खाना नहीं बनाया आज मैंने, लेट हो गया। अनु बेटा मुझे कह रही, मम्मा आप हर दिन बोलते हो कि खाना नहीं बना खाना नहीं बना, तो अभी खाना सच में नहीं बना आज, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी इसकी फीस वगैरह जमा करने के लिए। तो आज फ्राई चावल बनाएंगे, ठीक है बेटू? तो आज अनु बोल रही कि फ्राई चावल बनाते हैं, मैंने कहा ठीक है आज फ्राई चावल ही बनाएंगे। भाई साहब गर्मी इतनी, हाँ। तो भाई यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, शाम का ना 4:30 के आसपास हो गया, तो बस चाय बनने की तैयारी भी होगी है। और बनाते बनाते आप लोगों से भी बात कर लूँ थोड़ा सा, किचन बहुत मैसी हो रखा, कोई बात नहीं, पूरा ऐसे ही हो रखा यार, पानी नहीं आ रहा तो कहाँ से धोऊंगी मैं, पूरे बर्तन भी वैसे ही हो रखे कल से, मैंने थोड़ा सा आज वैसे ही बनाया शॉर्टकट में खाना भी, पानी नहीं आ रहा था तो फिर वैसे ही मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा कचड़ पचड़ बनाने का। तो अभी चाय बन गई और धूप भी चलेगी और ठंडा होने लग गया, अब स्वेटर पहनने का मन कर रहा है भाई। तो आज हम ना जिंगवाड़ जी का मजाक उड़ा रहे, बहुत तखड़ा वाला मजाक उड़ा रहे, पर फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, कोई बात नहीं अभी और ज्यादा उड़ाएंगे फिर ज्यादा। मैंने इसमें चीनी डाली नहीं डाली, भूल गई यार बेटू, क्या होगा अब चखना पड़ेगा। ये डाल दी हमने चीनी, थोड़ा और देन लिटिल मोर लाइक दिस गाना। ओ माय गॉड, बाय गॉड से मैं डाल दूंगी। मैंने चाय पीते पीते थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, और अभी सोच रही थी मैं बाइक लेके कहीं जाने की, पर अभी देखती हूँ क्या होता है, अगर मन करेगा, क्योंकि तो ठंडा भी हो रहा है ना, और इसमें परसों ही मैंने फ्यूल अप कराया था बाइक में, थोड़ी सी रह रखी है, पता नहीं वो बीच में था नहीं ना, वहाँ पर नीचे पर तेल नहीं था, तो फिर आज मैं क्या पता मैं जा भी सकती हूँ, मार्केट भी जाना था, मेरी साड़ियाँ वगैरह आगे तो जा नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम में फिर वहाँ अनन्या की फ़ीस जमा करने, फिर अनन्या लेने चलेगी, तो फिर वहाँ का काम करके देर होगी मुझे। तो अब पहले चाय पीती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं और जाते हैं। तो अभी शाम की ना 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं थोड़ा तेल भराने के लिए जा रहे हैं, स्कूटी में भी तेल नहीं है और बाइक में भी तेल नहीं है, तो ये जा कह रहे हैं कि स्कूटी लेके चलते हैं, और उसमें ना तेल मतलब बॉटल पर वहाँ नीचे मिल जाता है, तो उसमें लेके फिर बाइक में डालेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर दो गाड़ियाँ कौन ले जा रहा है। तो अभी हमें जा रही हूँ तैयार होकर, और उसके बाद टाइम लगेगा ना तो उधर भी जाना है मुझे, थोड़ा उधर मार्केट में काम है, इसमें लाएँगे हम तेल, इस वाले बोतल को ले जा रहे हैं। भाई अभी हम जा रहे हैं नीचे फ्यूल अप कराने के लिए, और आप लोगों को पता ही है कि नीचे पहले तो इतना इजी होता था ना, तो पहले क्या होता था ना पेट्रोल पंप ऊपर था तो इजी होता था तेल भराने के लिए, अब तो मतलब नीचे बहुत लंबा पड़ रहा है यार। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के, वहाँ पे ठंडा होने लग गया ना भाई साहब, हैं वो तो मैंने इसलिए मैंने फुल पहना, मैंने कहा नहीं तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ठंडा हो ही रहा ना थोड़ी बहुत। इधर रात आते रात पड़ गई है, आजकल रात इतनी जल्दी पड़ जा रही ना पता ही नहीं चल रहा भाई। तो जाते टाइम इस रास्ते जाएंगे शॉर्टकट मंदिर के रास्ते, पता नहीं वहां से भी रोड खराब ही होगी ना,
इस रास्ते तो हम कब से नहीं गए, पूरी मतलब ट्रक वगैरह बजरी के ट्रक जाते हैं ना उस रास्ते, तो थोड़ी रोड पूरी ऊबड़ खाबड़ हो रखी है। कहाँ कहाँ? अच्छा तो भाई आगे हम पेट्रोल पंप के पास में, या देखो सीधा ले जाना है क्या, पीछे भी नहीं देखना गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। तो भाई अभी आगे हम पेट्रोल पंप पे यहाँ पे तेल भराने के लिए, और यहाँ से आगे की लोकेशन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? आगे से पूरा अंधेरा होगा पर थोड़ी दिखा देती हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे ये नया ही बना हुआ है ना, ये देखो भाई पूरा सुनसान है, कुछ भी नहीं दिख रहा इधर तो, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है। ये सामने गदेरा है, हल्का फुल्का दिख रहा है ये भाई। और ये है पेट्रोल पंप, बोतल में भी भर दिया इसको बाइक के लिए। बाइक में भी थोड़ा सा था, परसों मैं आई थी ना जिस दिन मैं चमोली गई थी, पर थोड़ा फिर उस टाइम मैं आई नहीं इधर, उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी ना, तो फिर मैं वापस चले गई थी। फिर मैंने कहा अभी तेल उसमें ले जाते हैं, बोतल में ले जाते हैं तेल बाइक के लिए। नहीं मैं भी कितना चकाचौंध हो रखी ना, यहाँ पे शोरूम था ना, तो ये वाला शोरूम हुआ नया खुल रखा शायद। तो अभी घर आ गए हैं, और उधर भी नहीं गए यार मार्केट में ना, मेरा काम था वहाँ पे, साड़ी लेनी थी। और मम्मी इस कालू ने मेरे को ऐसे डराया ना, इतना गंदा है ना ये कालू, इसने मेरे को ऐसे डराया है। हाय कर दे, हाय बोल दे, याद है याद है, या हाय बोल, तो हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल। तो इस कालू ने मेरे को ऐसे डराया ना, और मैं सोच रही पता नहीं कौन है ऐसे ऐसे कर रहा मेरे पैरों के नीचे। आज पानी आ गया, अभी मैं वही देखने आ रही थी छत में कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, पर अभी देखना टैंक आधा हो गई है तो अब थोड़ा रिलैक्सिंग लग रहा है भाई, बिना पानी का इतना बेकार लगता है भाई साहब। तो बस दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।